नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना लाइट। और आज सीयूईटी का सेकंड सेशन का एग्ज़ाम शुरू हो गया है और आज है 4 अगस्त और स्टूडेंट्स बाहर आने शुरू हो गए हैं और ये है पटना का सेंटर। चलिए जानते हैं कैसा रहा आज का एग्ज़ाम। नाम बताइए। जी, शहजाद आलम। कहाँ से हैं आप? छपड़ा से। कैसा रहा एग्ज़ाम आपका? जी बिल्कुल अच्छा गया। किस कोर्स के लिए था? बीटेक के लिए। बीटेक के लिए। बीटेक में कितने सवाल पूछे जा रहे हैं? टोटल 50 क्वेश्चन था, जिसमें से 40 अटैम्प्ट करना था। 40 अटैम्प्ट करना था। अच्छा, कितना क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन था। हाँ। और उसमें से 40 अटैम्प्ट करना था। डिवीज़न कैसे थे सेक्शन वाइज? सेक्शन वाइज डिवीज़न? हाँ। जैसे वो डिवीज़न वैसा नहीं था। आप फिजिक्स में कितना सवाल था? फिजिक्स अभी मेरा फिजिक्स ये नहीं हुआ, मेरा आज सिर्फ 2 पेपर था। कौन कौन सा? जनरल टेस्ट और एक लैंग्वेज सब्जेक्ट का था। अच्छा। और बीटेक वाले का अगला फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का पेपर कब होगा? मेरा तो 8 तारीख हुआ और आगे पता नहीं और आदमी को। अच्छा। और अभी कौन कौन सा केवल अभी बीटेक वालों का एग्ज़ाम चल रहा है? नहीं पूरा। हाँ, बीए भी, मतलब जितना अंडर ग्रेजुएट जो भी कोर्स आता है और सीयूईटी का अंदर जो भी एडमिशन लेता है जो भी कॉलेज, वो सब का कोर्स चल रहा, अभी एग्ज़ाम चल रहा है। आप कितना बनाए? हम 40 में 30 अटैम्प्ट किए हैं। 40 अटैम्प्ट करना था बट 30 बना है। 40 अटैम्प्ट जरूरी था करना और आप 30 ही बना पाए। जी, तो इसमें होगा, अब हो सकता है। मैं भी चलिए आपको ऑल द बेस्ट। जी थैंक यू। कैसा रहा एग्ज़ाम? अच्छा था। किस पेपर के लिए था? बीएफए के लिए। बीएफए बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट। अच्छा, कैसा गया एग्ज़ाम? अच्छा गया। कितना सवाल था इसमें? इसमें 15 क्वेश्चन थे, इसमें अटैम्प्ट 40 करना ही था। कितना आप अटैम्प्ट किए? 40। 40 अटैम्प्ट किए। सवाल कुछ बता सकते हैं? हाँ, सवाल वही 12th के एनसीईआरटी से पूछा गया था। एनसीईआरटी बेस्ड था सब? सारा एनसीईआरटी बेस्ड था। कौन सा कॉलेज ऑफ प्रेफरेंस था आपका? बीएचयू। बस एक ही कॉलेज? हाँ, मेन तो वही। अच्छा, और उसके अलावा क्या था? उसके अलावा विश्व भारती और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। आपने कितने कोर्सेज के लिए अप्लाई किया? मैंने बस एक ही कोर्स के लिए अप्लाई किया था, सिर्फ बीएफए। लेट हो रहा है क्यों इतना? क्योंकि क्वेश्चन जो है ना, आने में बहुत टाइम लग गई और जिन्होंने इंग्लिश मीडियम में मतलब कि एग्ज़ाम सेलेक्ट किया था उनका जनरल टेस्ट तो हो नहीं पा रहा, इस वजह से टाइम लग रहे हैं। अभी एग्ज़ाम और भी दिन चलेगा। अभी और चलेगा। सीयूईटी पहली बार ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है, जो आगे आएंगे एग्ज़ाम देने के लिए उनके लिए क्या मैसेज होगा? उनके लिए मैसेज होगा जो सीयूईटी सिलेबस निकाले बस उसी को पढ़ता है, बाकी कुछ नहीं, इधर उधर कुछ भी नहीं। अच्छा, एनटीए का मॉक टेस्ट लगाए थे? हाँ, मैंने लगाया था। तो उस पे बेस था या उससे अलग? सिर्फ उसी पे बेस था पूरा। उससे मतलब अगर हम उसको रेट करें तो कैसा था? इजी रीड? वो भी इजी था क्योंकि वो भी तो सिलेबस से ही था ना, इस वजह से एनसीईआरटी बेस थी वो भी। तो उसके कंपैरिजन में आज का सवाल कैसा था, इजी या टफ? मेरे अंदाज से तो मेरे लिए बहुत इजी थी। जी चलो, आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। किस कोर्स के लिए एग्ज़ाम था? बीएससी बीएड। हाँ। कौन कौन सा कॉलेज ऑफ प्रेफरेंस था? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। और बस एक ही कॉलेज था। कैसा गया एग्ज़ाम? ठीक गया, इंग्लिश में थोड़ा सा दिक्कत हुआ। कितना क्वेश्चन था टोटल? टोटल था हर पे, मतलब कि हर पेपर पे 50 क्वेश्चन था और जनरल टेस्ट में 75 था। अच्छा, टोटल कितने पेपर थे? तीन। यानी कि 175 225 सवाल। 225 तीन पेपर 50-50 का और एक 75। हर पे 50 था तो 50 50 100। हाँ, 125 हुआ। 125 हुआ। अच्छा, 175 शायद। कितना बनाए आप? लगभग बन गया है। लगभग कुछ छोटा भी? हाँ छोटा। सवाल कैसे हैं? सवाल लेवल का था, ठीक था। ठीक था, बनने लायक है। हाँ, देखो परेशानी हो रही है। परेशानी बहुत है, इंग्लिश मीडियम के बच्चे के अभी तक मतलब कि पेपर नहीं आया है। अच्छा, इंग्लिश मीडियम बच्चों के पेपर नहीं आया? हाँ, अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है। मतलब व्यवस्था एकदम घटिया, ऊपर से सर्वर डाउन है। सर्वर डाउन है, लेट क्या हो रहा है इतना? इतना लेट अंदर से मतलब सर्वर डाउन है तो एग्ज़ाम हुआ ही नहीं है। अच्छा, तो सबको मतलब कि साइन लेकर फिर से अगले स्लॉट में एग्ज़ाम लिया जाएगा। अच्छा, मतलब आज एग्ज़ाम सबका नहीं हो पाया? नहीं, 1 घंटा लेट से पेपर आया हम लोग का। चलिए, आपको ऑल द बेस्ट। किस चीज़ के लिए था पेपर?
इस चीज़ के लिए पेपर था? बीटेक कैसा रहा पेपर? अच्छा रहा। पहला 50 क्वेश्चन थे ना? हाँ। कितने बनाए उसमें से? 35 बना रहे। 39 40 बना 35। क्या नाम हुआ आपका? अवनीश कुमार तिवारी। कहाँ से आप? सिवान से। अच्छा, इतना लेट क्यों हो रहा है? ये उसमें वो कुछ नेटवर्क में से कुछ वो प्रॉब्लम है उन लोगों में। आपके भी सिस्टम में प्रॉब्लम? नहीं, हमारे सिस्टम में आपके सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं है। अरे, जितने बीटेक वाले थे उनका सबका एग्जाम हो गया, किसी का रह भी गया? पता नहीं, हमको नहीं, हमारा हो गया बस। आपका हो गया। चलिए, आपको सर बहुत अच्छा पेपर है सर। किस कोर्स के लिए था? NTA का सर। NTM कोर्स दिए थे सर। किस कोर्स के लिए था? NTA का नहीं था। अच्छा, कितने सवाल थे? सवाल 50 था, उसमें 40 बनाना था। कितना बनाया? 40 बना। 40 बना लिए आप? ओके। अच्छा, मॉक टेस्ट लगाए थे आप? मॉक टेस्ट जो NTA जारी किया था। यस सर। कैसा था उसमें? बहुत अच्छा था सर। कॉलेज ऑफ प्रेफरेंस आपका क्या क्या है? क्या चीज़? कॉलेज कौन कौन सा आप सेलेक्ट किए हैं? सेलेक्ट मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी किया था, जामिया किया था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी किया था, बस इतने किए। बस दो ही? नहीं, 26 किए थे मैंने। और भी कोई कोर्स के लिए आपका एग्ज़ाम है? अब फिर है 18 तारीख है। 18 तारीख कौन से कोर्स के लिए? वो भी यही है, सेम कोर्स। हाँ, सेम। चलिए, आपको थैंक यू। क्या नाम है आप? आशीष नीरज। कहाँ से आए हैं? सहरसा से। सहरसा से आए हैं? कौन से कोर्स का एग्ज़ाम देने आए हैं आप? CUT UG BA के लिए। BA? BA। यस सर। BA में कौन कौन सा? हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। कौन से शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है? सेकेंड शिफ्ट। तैयारी है? बड़ी तैयारी है सर। यस सर। लेट तो हो रहा है एग्ज़ाम में, देखिए अभी फर्स्ट शिफ्ट वाला भी बाहर नहीं है। यस सर। व्यवस्था एकदम लचर है तो देख रहे हैं सर। देख रहे हैं सर व्यवस्था। किसके साथ आए हैं आप? अकेले आए हैं सर। अकेले? यस सर। मॉक टेस्ट लगाए थे NTA का? क्या बोले सर? NTA का मॉक टेस्ट लगाए थे? हाँ, किए थे। हाँ। यस सर। कितना मॉक टेस्ट लगाए थे? कितना? 2-3 लगाए थे। 2-3 को लगाए थे। क्या स्कोर था? स्कोर ठीक ठाक था। स्कोर ठीक ठाक था। कॉलेज ऑफ प्रेफरेंस क्या है? कौन कौन सा कॉलेज ऑप्ट किए हैं? BHU दिए हैं और इलाहाबाद और AU और दिए हैं अथी जामिया मिलिया। हाँ, और साउथ बिहार दिए हैं। साउथ बिहार दिए? यस सर। साउथ बिहार में तो BA है ही नहीं है। BA और BED के साथ है 4 साल। अच्छा, BA BED। यस। साउथ बिहार में BA BED और BLL BA के। यस सर। चलिए, आपको ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। थैंक यू सर। 4 अगस्त का इसका एग्ज़ाम है, बहुत ही लचर व्यवस्था, काफ़ी पेरेंट्स भी काफ़ी परेशान हो रहे हैं। एग्ज़ाम का शेड्यूल जिस टाइम पे था उस अकॉर्डिंग एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं हो पाए हैं, काफ़ी पेरेंट्स परेशान हैं, आप देख सकते हैं। इसी तरीके के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए पटना लाइट, और मेक श्योर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।